नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है यहाँ पर, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कई कई जगह तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है दोस्तों। तो हमें इस गर्मी में अगर हम एसी बाइक कर रहे हैं या फिर हमने एसी हमारे घर में लगा हुआ है तो हमें एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर कितने पे रखना चाहिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत लोग इसमें ऊपर नीचे, कोई 18 पे करके रखता है, कोई 20 पे करके रखता है, कोई 24 पे करके रखता है, कोई 25 पे करके रखता है, कोई 26 पे करके रखता है। तो एग्जैक्टली हमें टेम्परेचर कितने पे सेट करना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने बहुत कम पे टेम्परेचर सेट करके रखा 17 18 पे या 20 पे, तो ऐसे में आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और प्लस आपको दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि दोस्तों कम टेम्परेचर करने पे आपको ठंड तुरंत लगने लग जाएगी और ठंडे गर्म में अगर आप जल्दा ज्यादा करेंगे तो आपको तबीयत भी जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। तो इसलिए बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि जो लाल कलर बटन है उसको दबाकर दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपने चैनल पर मैं लाता हूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलेगा, आप तुरंत मेरी सारी वीडियोस देख पाओगे टाइम पे। और अगर मेरी और मेरे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं दोस्तों तो नीचे थैंक्स का बटन है और कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं कुछ भी सामान, और उसके बाद आप मुझे और उसके बाद हमें और हमारे चैनल को बेनिफिट मिलेगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन वीडियो की। अब दोस्तों मेन वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको टेम्परेचर अपने घर का कितना सेट करके रखना चाहिए, अपने एसी का टेम्परेचर आपको कितना टेस्ट सेट करके रखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। या फिर आप सिनेमा हॉल्स में जाते हो तो वहाँ भी देखते हो कि काफ़ी अच्छे टेम्परेचर सेट होता है जिसमें आपको ठंड भी लगने लग जाती है। और आपके हॉस्पिटल में कितना टेम्परेचर सेट होना चाहिए या कितना सेंटर होता है, या फिर आपके कॉलेजेस में स्कूल में, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए आपके घर में भी आपको अपने एसी में कितना टेम्परेचर सेट करना चाहिए। और एक गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है कि आपको कितने डिग्री पे टेम्परेचर अपना सेट करके अपना एसी का रखना चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अब बहुत बार लोग जो बहुत कम करके रखते हैं टेम्परेचर, ऐसे में या ये आपके बिजली का बिल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, एसी को भी जल्दी खराब करता है, प्लस आपका तबीयत भी बहुत जल्दी खराब करता है। तो ऐसे में जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली आपको टेम्परेचर रखना कितना चाहिए दोस्तों, एग्जैक्टली जो आपका टेम्परेचर है दोस्तों वो यहाँ पे आपका 25 डिग्री, 24 डिग्री, ये टेम्परेचर बेस्ट होता है आप अपने एसी का रख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके एसी के कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा, और लोड नहीं पड़ेगा तो आपका बिजली का बिल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप फैन यूज करते हो, पंखा यूज करते हो सीलिंग फैन अपने एसी के साथ में, तो आपके लिए 26-25 डिग्री भी टेम्परेचर बहुत इनफ है। और गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो अभी गवर्नमेंट ने पास किया है आपको डिफॉल्ट टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री आपको रखना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपके कंप्रेसर पर कम लोड पड़ता है, आपके बिजली का बिल कम आता है, प्लस बहुत लोगों का एसी बहुत जल्दी जल्दी खराब होता है, वो भी इसी कारण से होता है। क्योंकि दोस्तों वो क्या होता है कि हम जो अपने एसी का टेम्परेचर है वो 18 पे 16 पे बहुत बार जितना कम से कम टेम्परेचर होता है उससे उतना कम करके रखने की कोशिश करते हैं, 20 पे भी करके रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा कमरा ठंडा हो जाता है, बहुत लोग ये सोचते हैं, और बहुत जल्दी ठंडा करने के कारण हमारा जो तबीयत है उसमें भी दिक्कत आती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो एसी है वो अपने रफ्तार से ही कमरे को ठंडा करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, बहुत जल्दी गर्म कर देगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें जितना कैपेसिटी है वो उतना ही हवा देता है, उतना सब कुछ देता है। लेकिन क्या होता है, कंटिन्यू जब तक आपके उस रूम का टेम्परेचर आपने 17 पे सेट किया या 18 पे सेट किया वो उतने पे ला नहीं देगा टेम्परेचर को, तब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा और ऐसे में कंप्रेसर पर लोड कंटिन्यू बना रहेगा। तो इसी कारण जब लोड बना रहेगा तो ज्यादा एनर्जी खाएगा तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा, और ऐसे में ही आपकी तबीयत भी जल्दी खराब होती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको एसी का टेम्परेचर 24 पे रखना इनफ है। अगर आपका टेम्परेचर एसी का टेम्परेचर 20 पे या 18 पे इससे कम करके रखते हो तो आपको लगेगी ठंड, और ठंड लगने के कारण आपको कंबल चादर ओढ़ के रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और ऐसे में ही आप
आपने कमरे का टेम्परेचर तो कर लिया 17, 18, 20, लेकिन जैसे ही उस कमरे से आप बाहर निकलोगे तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आपको तुरंत गर्मी लगेगी, तुरंत सब कुछ होगा। ऐसे में ठंड गर्म से हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत हमें तबीयत खराब होने की संभावना रहेगी। नॉर्मली क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री 38 डिग्री के आसपास होता है, और ऐसे में अगर हम 24 डिग्री तक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और काफ़ी अच्छा फील होगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ऐसे में आपका बिजली कंजप्शन भी, आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फॉरेन कंट्री में, बहुत सारे विदेशों में कंट्री में रूल बनाया गया है कि एक डिफॉल्ट टेम्परेचर जो है आपको उतने पर ही सेट करके रखना है। तो और ऐसा जापान में दोस्तों वहाँ पे तो 28 डिग्री डिफॉल्ट टेम्परेचर कहा गया और वहाँ पे डिफॉल्ट टेम्परेचर पे ही सेट करके रखने के लिए कहा जाता है लोगों को, 28 डिग्री पे ही रखें अपना डिफॉल्ट टेम्परेचर। यही नियम आपके दुबई में भी, वहाँ भी 24 डिग्री पे डिफॉल्ट टेम्परेचर करके रखने को कहा गया है, जिसमें कि आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं अपने और शरीर आपका बहुत ठीक रहेगा। ऐसे में आपको जल्दी तबीयत खराब होने की संभावना और बहुत कुछ है जो नहीं होने वाली है। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं और वो अपना एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर जो कम से कम करके रखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, हम चद्दर और कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप टाइम तो काट लेंगे लेकिन आपको दिक्कत होगी होगी, आपके बिजली का बिल बढ़ेगा और प्लस एसी पे जो कंटिन्यू लोड पड़ रहा है तो एसी भी जल्दी जल्दी आपका खराब होगा। तो डिफॉल्ट टेम्परेचर यहाँ पे एग्जैक्टली मैं जो मैंने आपको क्लियर किया है वो आप 24 डिग्री है और नॉर्मली आप 25-26 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली। अगर सीलिंग फैन यूज़ करते हो तो 25-26 पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, मगर आप 24 डिग्री से नीचे कभी भी अपने एसी का टेम्परेचर नहीं करें। तो आई थिंक ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत नॉलेजफुल रही आप सभी के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि मैं खुद के घर पे भी मैंने देखता हूँ कि लोग टेम्परेचर एकदम से बहुत नीचे कर देते हैं, ठंड हो जाती है, फिर बंद कर देते हैं और फिर छोड़ते हैं और फिर चालू कर देते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। कहो अगर ऐसे में बार बार कट करोगे, बार बार बंद करोगे, चालू करोगे, तो मशीन पर भी इफेक्ट पड़ता है और बहुत उनको भी नहीं पता कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो ऐसे में आप घर में, अब आपको इस पता लग चुका है कि आपको 24 डिग्री डिफॉल्ट टेम्परेचर पे आपको सेट करके रखना है। आप 24 डिग्री में भी इनफ ठंडा कर देगा दोस्तों, गारंटी कर कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली अगर आपने 24 डिग्री में भी करके रखा है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बहुत नॉलेजफुल वीडियो थी आप सभी के लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और पता है या कुछ ज़्यादा पता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। हो सकता है मेरी भी इंफॉर्मेशन और बढ़े, मेरी नॉलेज और बढ़े, मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ गलती हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाएं और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक हर एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों और अच्छी वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाने में। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलता हूँ अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।